अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो यार मैं जैसे जैसे मेरे वीडियोस जो है वो वायरल होने शुरू हो गए, मैं डेली व्लॉगिंग करने लगा हूँ, मैं डेली जो है वो व्लॉग्स छोड़ने लगा हूँ। मतलब एक हफ्ते में तकरीबन 3 से 4 व्लॉग्स आएंगे। अब की बार होगा 1000 बार, लेकिन हाँ यार मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, आप जो समझ रहे हो वो नहीं कह रहा। अब यार वहाँ पे कुछ लोग हैं जो मेरी मतलब मेरे गांव के हैं, वो वहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ उनके पास क्योंकि ब्लूटूथ वाली है, तो उस पर हम लोग ट्राई करेंगे, देखेंगे कि उसकी आवाज़ में क्या माइक में हवा वगैरह बढ़ती है या नहीं। फिर जो है वो वहाँ पे ना इंट्रो वगैरह उसमें भी करेंगे, ये भी इंट्रो है लेकिन वहाँ पे भी इंट्रो करेंगे एक अलग से, देखते हैं कि कैसी आवाज़ आती है माइक में। अभी चलते हैं, चल के अंदर जो है वो शूटिंग वगैरह देखते हैं इनकी, और फिर हम इनसे ना माइक मांगेंगे। आज मजदूर डे है लेकिन ये मजदूरी कर रहा है आज। चलो चलते हैं अंदर, ये अंदर काम कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, चलते देखते हैं शूटिंग कर कैसे रहे हैं। ये चलकर वो खड़े हैं दो बंदे, तुम्हें कैसे पता चला? वेलकम बैक टू दी एन अदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। ये मेरी टीम है जो वीडियो बना रही है इस टाइम, लेकिन मैंने कल आपसे वादा किया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग वॉच को जो है वो कम्प्लीटली मतलब आपको जो है वो सॉल्व करके देखें कि आखिर हम लोग वॉच को मोबाइल से कनेक्ट कैसे करेंगे, वॉच की थीम्स वगैरह जो है वो चेंज करनी है हमने। तो आज के व्लॉग में हम लोग आपको बता देंगे। ये माइक अमजद भाई ने दिए, वो वहाँ पे खड़ा हुआ है, इसने मुझे माइक दिया आज की। आप माइक से व्लॉग को शूट करो ताकि जो है ना आपकी जो माइक है मोबाइल की उसमें हवा बढ़ती है, इसलिए इन्होंने ना मुझे आज माइक दे दिए कि आप ना आज का व्लॉग जो है वो इस माइक के ज़रिए आप अपना शूट कर लो। तो मैंने ODG कनेक्ट कर लिए, व्लॉग जो है वो अब माइक से शूट करेंगे। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करो ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत ही तेज़ बोलता हूं, लेकिन चलो इनके पास चलते हैं। इनका एक चैनल है, सॉरी चैनल भी नहीं है, इनका एक अकाउंट है यूट्यूब पर जिसका क्या नाम है और दे क्या नाम है उसका नाम है वाजिद भाई एंड तुम्हारे मतलब अकाउंट का वाजिद नाम है, वाजिद भाई लिखा है, और इसके आपका क्या है? मेरा यूट्यूब अकाउंट नहीं है, बस टिकटॉक अकाउंट है, हम जैसे लिखोरे जो उस पे आए हैं और सपोर्ट करें हमारी। मुझे सपोर्ट नहीं कहोगे यार? हाँ यार, इसको भी सपोर्ट करें, ये भी एक साल से बैठा हूं यूट्यूब पे वीडियो को छोड़ रहा है, सो बड़ा मेहरबानी, इसको सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच यार, ये मुझे कह रहा है आप सपोर्ट नहीं करते हो, ये भी मुझे कह रहा है, इन्होंने नहीं कहा लेकिन छड्डो जान दो इनको। तुम क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगा, करते कैसे हो ये सब? आपको लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें, सपोर्ट करें, सपोर्ट करो यार, सब बोलते हैं सपोर्ट करो, आप सपोर्ट नहीं करते हो। खैर ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले जिस चीज़ ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, गाड़ रख दो सब्सक्राइब वाला बटन, तब तक मैं जो है वो सेटिंग वगैरह मार के आता हूँ, क्योंकि हाई वॉच प्रो आपको ना सबसे पहले एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, जिसको आप डाउनलोड करने के बाद ही ना अपनी वॉच को जो है वो मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो। पूछा मैंने कुछ, और वैसे ही मैं आपको बता दूँ कि वॉच में इतना साउंड होता नहीं, जो कॉल्स वगैरह आती हैं वो आपको मोबाइल से ही कनेक्ट करनी पड़ेगी, आपको मोबाइल पर ही अटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कॉल आती है उसकी साउंड वगैरह जो भी होता है ना वो आपके वॉच में सुनाई नहीं देता, इतना स्पीकर बड़ा नहीं है, इसलिए आप जो है ना अपने मोबाइल का ब्लूटूथ उस टाइम जो है वो बंद करके फिर कॉल अटेंड कर सकते हैं। अच्छा, बाकी जो नेट वगैरह है, व्हाट्सएप वगैरह, नोटिफिकेशंस जो भी आते हैं ना वो सब आपके मोबाइल पे आएंगे और प्लस में आपके वॉच पर भी आएंगी। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूँ कि ये माइक परफेक्ट काम कर रहा है, मुझे भी लेना पड़ेगा एक माइक अपने व्लॉगिंग के लिए, और एक स्टैंड लेनी पड़ेगी अपने व्लॉगिंग के लिए, एक अच्छा सा मोबाइल लेना पड़ेगा अपने व्लॉगिंग के लिए, लेकिन टाइम के साथ सब सेटल हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, मेरे अब्बू का एक फ़ोन है जो काफ़ी पुराना हो गया है, ये फ़िलहाल मैं यूज़ करूँगा, इसका देखो ग्लास भी टूट चुका है, ये पूरा मतलब कबाड़ बना हुआ है, लेकिन ये परफेक्ट काम कर रहा है। ये देखो अभी इसकी ब्राइटनेस कम है, मैं बढ़ा देता हूँ, ये देखो परफेक्ट काम करता है ये, और आइंदा जो है ना इसको माइक के तौर पे यूज़ करूँगा मैं, ब्लॉगिंग वगैरह जो भी होगी ना वो इससे जो है वो इसका साउंड वगैरह जो भी होगा वो सब इससे यूज़ करूँगा। मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब। अभी जो है ना सेटिंग वगैरह करके वॉच वगैरह जो भी है थीम्स वगैरह आज सब आपको बताने वाला हूँ इस ब्लॉग में, और सब रेडी करके फिर आपसे मिलता हूँ। टेक केयर एंड सब्सक्राइब, बाय यार। शूटिंग कर रहे हैं ये लोग, शायरी वगैरह बना रहे हैं, और इस बंदे को ना सपोर्ट करो, सॉन्ग बना रहे हैं। किस चीज़ का? वो सिंधी वाला बड़ा वाहिया सॉन्ग बनाते हो आप लोग।
की बीवी ना हो उसका भी बड़ा नाम है। ये लोग इनको सपोर्ट करो, ये बड़ी वाहियात किस्म की जो है ना वो शूटिंग करते हैं, वाहियात किस्म की वीडियोस बनाते हैं। ये बेचारा इसका कोई कसूर नहीं है, बस इसकी सपोर्ट करो। और ये वाहियात वीडियोस बनाते हैं ये लोग, मतलब एक्टिंग वगैरह कुछ नहीं होती, कुछ नहीं होता इनके वीडियोस में, लेकिन इनके फिर भी वीडियो अंदर 200-250 व्यूज होते हैं इनके। मैं टिकटॉक पे छोड़ता हूँ, मेरे 100-200 व्यूज आते हैं इनके 250। क्या कर रहे हैं ये वाला सॉन्ग ऐसा है जिसकी बीवी ना उसका बड़ा नाम है, सबको अपनी समझो। अबे साले वो तो आ गए, थोड़ा सा सीधा खड़ा हो जा, टेढ़ा है तू। शूटिंग चालू हो रही है, फिल्टर लगाना नहीं भूलना। 1 2 3 को शूटिंग चल रही है, शूटिंग। हेलो, बड़े ही वाहियात वीडियोस बनाते हो, लेकिन खैर है तुम्हारे व्यूज पे भी आ जाते हैं। लेकिन अब मैं भी ना यूट्यूब पे इंप्रूव हो गया हूँ, मेरी भी वीडियोस जो है वो वायरल होने लगी हैं। अब चलो चलते हैं अपने घर, सेटिंग वगैरह करते हैं। ये सेकंड इंट्रो किया था, लेकिन अब घर चलते हम लोग घर जा रहे हैं यार। ये अमजद है, इसका एक अकाउंट है टिकटॉक पे, आप इसको सपोर्ट करो। ये शायरी वगैरह करता है, इनको मैंने कहा है व्लॉगिंग पे आ जाओ, लेकिन ये अभी नहीं आ रहे, लेकिन वक्त के साथ सपोर्ट सब लोग आ जाएंगे व्लॉगिंग पे। अभी चलते हैं घर, मिलेंगे आपको घर। 80 minutes later मैं ना कुछ स्क्रीन पे समझाने वाला हूँ, तो इस वीडियो की ना रेजोल्यूशन जो होती है, मतलब कि आप इसको हाई क्वालिटी कर दो, आप इसकी क्वालिटी बढ़ा दो, आप इसको 1080p पे लगा दो। देखो यार, वॉच को कनेक्ट करने के लिए ना सबसे पहले वॉच की एक ऐप आती है जो मैंने आपको दिखाया कि उसके बॉक्स पर भी उसका जो है वो आइकन बना हुआ था, जिसका नाम है हाई वॉच प्रो। ये दरअसल इनकी एक स्मार्ट वॉचेस की जो कनेक्टिंग वाली ऐप है, आप उसको डाउनलोड करो। अगर आपको फुल्ली मॉडर्न चाहिए ना, यानी कि आप सब चीज़ जो है वो यूज़ कर सको, तो आपको क्रोम से डाउनलोड करना पड़ेगा, वरना आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। लेकिन प्ले स्टोर से डाउनलोड करने में ना एक मसला आता है, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर प्रो मिलेंगी, जैसे कि थीम्स वगैरह सब कुछ आपको प्रो में मिलेगा, यानी कि आपको परचेज करनी पड़ेगी। मैंने किया था क्रोम से डाउनलोड, तो मैंने ना ये थीम्स वगैरह देखो, यहाँ से आपको आना है डायल में, डायल सेटिंग होती है, आपको वहाँ पर आना है, और वहाँ पर ना आपको बहुत सारी थीम्स मिल जाएंगी जो आप जैसे ही आप उनको इंस्टॉल करोगे ना, आपकी वॉच में एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें वो आपको बता रहा होगा कि आपकी मोबाइल जो है वो वॉच से कनेक्ट हो चुकी है, और आपकी वॉच पर जो है वो थीम ट्रांसप्लांट की जा रही है, ऐसे भी आएगा। और आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो इस वाले ऑप्शन में जाना है, जहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि आपकी वॉच की जो है वो ब्लूटूथ खुली, आपकी वॉच की ब्लूटूथ जो है वो ऑन होनी चाहिए, और आपकी मोबाइल की ब्लूटूथ ऑन होनी चाहिए। आपको इस वाले ऑप्शन में जाना है, और वहाँ पर आपको सर्च करना है, आपको पेंडिंग में होगा, उसके बाद आपकी जो भी वॉच है, मेरी तो T800 है, तो उसका ऑप्शन आ गया है। अब देखो, इसको क्लिक करने के बाद ना यहाँ पर कुछ इस तरह का जो है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और फिर ये बताएगा कि आपकी घड़ी जो है, आपकी वॉच जो है वो कनेक्ट होने वाली है। जैसे ही कनेक्ट हो जाएगी ना, तो आपका जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ से इंटरफेस हट जाएगा, और आपको बताएगा कि आपकी वॉच जो है वो कनेक्ट हो चुकी है। अगर ऐसे नहीं हो रही ना, तो आपको क्या करना है, आप ऊपर देखोगे एक आइकन होगा जहाँ पे स्कैन का बटन होगा। अब स्कैन कैसे करोगे, QR कोड तो वॉच में है नहीं, तो आपको सबसे पहले जाना है मेन्यू में। मेन्यू में जाके आपको वहाँ पर ऐप स्टोर का एक आइकन बना हुआ होगा, आपको उसको ऑन करना है। वहाँ पर आ जाएगा एक QR कोड, उसको आपने अपने मोबाइल के QR जो स्कैनर है उससे आपको इसको स्कैन करना है, तो आपकी जो वॉच होगी वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, आपकी ऑटोमेटिक जो है वो वॉच कनेक्ट हो जाएगी। फिर आप जो है वो इजीली अपने मोबाइल के नोटिफिकेशंस वगैरह, जितने भी फेसबुक, व्हाट्सअप, जितने भी नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं ना, सब आप अपने मोबाइल पे देख सकते हो। आपको पूरी डिटेल देगा, फलाना नंबर है, फलाना आदमी है, उसने ये वाला मैसेज किया, सब आपको अपनी वॉच पे दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब इस तरह से जो है वो आप अपनी वॉच की थीम्स वगैरह, देखो तो ये थीम्स बड़ी ही एक्सपेंसिव है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव थीम्स जो है ना वो मिल जाएगी। अगर आपकी T800 के अलावा कोई भी वॉच है ना, तो उस पर आप अपना पिक्चर वगैरह भी रख सकते हो थीम के तौर पर, और मतलब बहुत सारी थीम्स आपको मिल जाएंगी।
बस इतना ही बताना चाहता था। लेकिन आपको ना अगर आप थीम्स वगैरह या इनके शौकीन होना तो आपको प्रो से हटके इसका मॉडेड जो फुल्ली अनलॉक्ड होगा ना वो वॉच का जो है वो वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा, जो आपको इजीली क्रोम पे मिल जाएगा। बस आपको लिखना है कि हाई वॉच प्रो मोड APK, अब वो आ जाएगा आपके सामने आ जाएगा, पर आपको उसको डाउनलोड करना है और उसको यूज़ करना है। तो यार यूज़ करो, फिर मुझे कमेंट करके बताओ और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट डे। यार डायरेक्ट जो है वो हम नेक्स्ट डे पे आ गए, लेकिन यार असल बात ये है कि मुझे पता ही नहीं चला कल मैंने जैसे व्लॉगिंग छोड़ी ना फिर मैं सो गया था। सोने के बाद उठा तो नमाज का टाइम हो गया। नमाज के बाद जब मैं आया मुझे थोड़ा सा याद आया कि यार मैं व्लॉग बना रहा था और मैंने जाके ना मोबाइल निकाल लिया चार्जिंग से और व्लॉगिंग को कंटिन्यू रखना है। लेकिन मैं जैसे ही घर पहुँचा तो घर वालों ने एक काम बता दिया, वो करने चला गया। फिर मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ। खैर है आज का दिन भी पड़ा है, हम आज भी व्लॉगिंग कंटिन्यू रखेंगे। और मुझे भाई ने ऑफ़र की यार चलो हैदराबाद, लेकिन मैंने नहीं जाना यार, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं नहीं जा रहा। से यार गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, मैं नहीं जा रहा हैदराबाद। अगर जिसको दांतों में कैविटी है एक महीना इसको ट्राई करें, अगर कैविटी ख़त्म ना हो तो मेरा नाम शमीर खान नहीं और आपकी नज़र में जो है कॉरेज व्लॉग्स वो भी नहीं। सब्सक्राइब करो, अभी पूरा दिन पड़ा है, आहिस्ता आहिस्ता व्लॉग्स बनाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता वायरल होंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि छोड़ दो ये काम, व्लॉगिंग वगैरह जो है कुछ नहीं होता, यूट्यूब पैसे वगैरह नहीं देता। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी मेरी है, आप बाढ़ में जाओ। उनको मैं कहना चाहता हूँ आप अपने काम से काम रखो, ज़िंदगी मैंने गुजारनी है आपने थोड़ी ना गुजारनी है, इसलिए उनको छोड़ दो। अभी ना ये नई आया है मस्जिद में, इसको ना मैंने अभी जूते मारने हैं बहुत सारे, 2.5 हफ्ते हो गए कुरान नहीं पढ़ाया इसने, ये मर रहा था बुखार में। चलो देखते हैं। अभी मैं चढ़ रहा हूँ इस पेड़ पे, कुछ पता नहीं क्या कहते हैं उर्दू में, लेकिन हिंदी में इसको तूत कहते हैं। वो जो है वो बहुत ही मीठे होते हैं, करीब आ जाए। वो जो है ना हमने खाने तो नज़र तो नहीं आ रहे, थोड़े बहुत है। ये देख लो, ये चेक करो, बहुत ही मीठा है। ये देखो, ये मैं इस वक्त जो है वो पेड़ पे हूँ ऊपरी साइड, और उधर देखो यार ये शहद का छत्ता है। इधर इधर नज़र नहीं आ रहा क्या, वो देखो उधर छत्ता है, इधर मीठे मीठे तूत हैं, जैसे कि ये बहुत ही मीठे यार, मीठे 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 मीठे। ये देख लो, अक्सर इनको धोते हैं लेकिन मैं धो नहीं रहा। ये देख लो, पेड़ पे चढ़ के पहली बार मजा आ रहा है। इकरू, कभी कोकड़ खाई है? कोकड़ सेवन में दवाई ना। ओए मीठी मीठी, अरे गिरी पियो। सॉरी गिर गया, गिरी पियो नहीं गिर गया, मैं पेड़ पे चढ़ के फंस गया हूँ, जाऊँ कहाँ यार।
वो देख लो शायद का चत्ता, और ये मैं। लेकिन अभी सोच ये रहा हूँ पाँव कहाँ पर रखूँ, और नज़र भी तो नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग जो है ना वो ऐसे ले गए हैं, क्योंकि ये मीठा है ना, बहुत मीठा होता है ये। अभी ये देख लो, ये मैं खा रहा हूँ मैन वर्सेस वाइल्ड, ऐसा करके खा रहा हूँ। और ये देखो बाय तब तक के लिए। 2 hours later ये हॉटस्पॉट वाले बैठे हैं, इन्होंने ना मुझसे अभी हॉटस्पॉट लिए, और इन गरीबों के पास पैकेज नहीं है। अभी शाम का टाइम है, टहलने आ गया हूँ मैं इधर, और आपके लिए एक सरप्राइज़ है। इसका सबसे पहले तो टीज़र आएगा, जो मैंने फर्स्ट व्लॉग अपलोड किया था उसका पहले टीज़र आएगा। उसके बाद जो है ना हमारा एक कंप्लीट व्लॉग आएगा, जो मतलब इस साल का, मतलब जो हमने फर्स्ट व्लॉग बनाया, अब देखेंगे कि डिफरेंस जो है वो मतलब सबसे ज़्यादा जो बेटर व्लॉग है वो कैसे बनेगा। अभी मैंने इसकी एडिटिंग भी मुखानी है, मतलब सब कुछ करना है इसमें, पूरा एडिट करना है। ये दोनों बंदे और तीसरा भी कोई फाड़ लेंगे, और हम लोग जो है वो जाएंगे वहाँ पे। मतलब ऐसी एडिटिंग करनी है ना इस बार की पूरा यूट्यूब हैरान हो जाएगी यार, ये एडिटिंग इसने आखिर सीखी कहाँ से, की कहाँ से, अपलोड कहाँ से वीडियो हुई, ये सब मुखाना है मैंने, सब करना है, सब बढ़ना है। लेकिन छड्डो जान दो, इसका सबसे पहले टीज़र आएगा, और टीज़र भी छोटा नहीं होगा भाई, टीज़र भी छोटा नहीं होगा, एक मिनट से ज़्यादा का टीज़र बनाऊंगा, वो भी यूट्यूब पे आएगा और टिकटॉक पे आएगा। टिकटॉक वैसे मैं अपलोड करता हूँ वीडियो, यार चलाता नहीं हूँ मैं टिकटॉक इतना, मैं सिर्फ वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि मेरी जितनी भी ऑडियंस है ना, जितने भी गाँव के लौंडे वगैरह है ना जो भी, उनको पता चल जाए कि यार इसने वीडियो अपलोड कर दिए, और वो भी देखना शुरू कर दे। अभी इन दोनों बंदों की मोबाइल, फ़िलहाल यार मेरे पास इतना सामान है नहीं, लेकिन इन दोनों बंदों की ना मोबाइल हमने कल यूज़ करनी है, और एक करेंगे हम माइक के तौर पर, उसको भी मतलब थोड़ा थोड़ा हम जो है वो शूट के लिए उसको यूज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है ना मतलब इसको माइक के तौर पर यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल इतना अमाउंट नहीं है, इतना बजट नहीं है कि हम लोग जो है वो माइक परचेज़ करें। लेकिन मैंने देखा एक ट्राइपॉड के साथ एक फ्लैश लाइट और माइक आती है बड़े ही मज़ेदार किस्म की, जो कि मैं देखूंगा अभी एक महीना ना सबर करके, उसके बाद ही परचेज़ करूंगा, क्योंकि फ़िलहाल पैसे नहीं है यार, ऑर्डर्स भी मिलना कम हो गए, तो जब ऑर्डर मिलेगा उसका जो भी प्रॉफिट आएगा ना उससे डायरेक्ट मैंने जो है ना वो माइक ऑर्डर करनी है। तो अभी यहाँ पर बहुत सारी बातें हो गई, बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पर जल्दी व्लॉग आएगा, जो व्लॉग सबसे बेटर होगा, मतलब YouTube पर मैंने कभी ऐसा व्लॉग नहीं बनाया होगा जैसा मैं सोच के बैठा हूँ, पहले ही थॉट्स वगैरह जो है ना सोच लिए हैं, और मतलब शूटिंग वगैरह जितना भी एंगल मैंने सोच के रखा है वो सब अपलोड करूँगा। बातें बहुत ज़्यादा हो गई, अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, मगरिब की नमाज भी दाखिल होने वाली है थोड़े से टाइम में, तो वो भी पढ़नी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कह रहा हूँ कि यार जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है यार, बढ़ जाओ सब्सक्राइब करो, मुझे एक साल हो गया मेहनत करके, अभी तो 1.5 साल होने वाला है, तुम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो यार। मैं भी अभी अच्छे व्लॉग बनाने लगा हूँ, लेकिन जब आईफोन या फिर S23 Ultra जैसा मोबाइल आ जाएगा फिर तो तुम्हारी सोच है मेरे व्लॉग्स कैसे आने वाले होंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब, मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। वैसे बताऊँगी चश्मा कैसा लग रहा है, कमेंट करो और गैस करो कि ये चश्मा होगा किसका। इन दोनों को मैंने हॉटस्पॉट दिया है, तो इन दोनों में से किसका ये सबसे ज़्यादा डाउट जो है वो इस पर करो, जो उस पार बैठा है ये सामने वाला बंदा है। इसके पास तो नेट के पैसे नहीं है, इसके पास हॉटस्पॉट है मेरा, दोनों के साथ ना हॉटस्पॉट कनेक्ट है, तो मेरी हॉटस्पॉट पे ये लोग टिकटॉक चला रहे हैं, वीडियो अपलोड करने के नाम पे ये लोग टिकटॉक चला रहे हैं। लेकिन खैर है, हम इसको चश्मा नहीं देंगे आज इसको चश्मा देना ही नहीं है हमने। बाय यार, मैं सबको ये मैसेज दे रहा हूँ कि ये जो ट्रेंडिंग बॉल्स आए ना, इनको देख के मेरी नीयत ख़राब होती है। बात तो सही है, लेकिन ये अभी इसको लगा है यहाँ पे, मुझे ना यहाँ पे लगा था, इनसे पूछ लो, मुझे ना यहाँ पे बैंडेज लगा हुआ था। अब मैंने एक व्लॉग में अपलोड भी किया था कि मुझे बैंडेज लगा हुआ था, वो देखो कैसे कर रहा है, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा, लेकिन ये लगता है ना फिर आपको कहीं का नहीं छोड़ता, बोर्ड छोड़ता है आपको, बोर्ड छोड़ता। ये देखो कैसे कर रहा है, अभी लगा है इसको हाथ में एक बार, ये ऐसा लगता है ना हाथ में, आपका जो अंगूठा है उससे जो ऊपर भी साइड होती है ना वो आपकी सूज जाती है, एकदम सूज जाती है, आपको दर्द हो जाता है। तो यार अभी ना हो गई रात, इसी के साथ आज के ब्लॉग की एंड यहीं पर करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो यार, मुझे नहीं पता उसके लिए भी जाना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब,
और मोर्टीन का एक जो है वो कॉइल लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर मच्छर है, इधर जला के उसके बाद एंडिंग करनी पड़ेगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब, बाय। कभी कभी मजाक हो भी जाती है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।